जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। वजह यह है कि इस स्टॉक में यहाँ पर देख सकते हैं एक दिन में तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इस स्टॉक में अब फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है? क्योंकि इस चार्ट पर भी देखेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो समझेंगे कि ये प्राइस और कितना नीचे जा सकता है तथा कब से फिर इसमें तेजी आएगी, यानी कि इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, ताकि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों के पास भी इस कंपनी के शेयर्स हैं, उनके मन में खुशी आ सके। जाहिर सी बात, किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो उसके इन्वेस्टर्स निराश तो होंगे ही, साथ में कोई नया व्यक्ति भी यदि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा तो उसे भी अभी डर लग रहा होगा। तो बेसिकली इसी बात को इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमें करना क्या है, नए लोगों के लिए भी इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि हमें कब इसमें एंट्री लेना है, कब सही समय होगा। चलिए शुरुआत हम इसे शुरू से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं काम हम लोग सभी जानते हैं कि एलस्टोन टेक्सटाइल्स जो है ये टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी डीलिंग करके टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें ये फैब्रिक से लेकर फैब्रिक तो टेक्सटाइल का ही प्रोडक्ट है। ये टेक्सटाइल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें मेजरली ये प्रोडक्ट्स स्टॉक ये बनाती है कंपनी, और साथ में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में भी कंपनी इन्वॉल्व है। यानी कि इसका जो मेन काम है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाना, उसके अलावा ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब देखिए, जो कंपनी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, इनका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ज़्यादा होता है। और रियल एस्टेट में क्योंकि इनके पास पैसे की कमी है नहीं, और रियल एस्टेट में आपको भी पता है कि रिटर्न तगड़ा मिलता है, तथा वहाँ लॉस की भी संभावना स्टॉक मार्केट के कंपेरेटिवली देखें तो कम होता है। तो चीज़ होगी कंपनी काम क्या करती है, काम के भी आप हम सभी जानते हैं कि इसमें आने वाले समय में तेजी बनी रहेगी। फंडामेंटल को यदि हम डिस्कस करें तो एलस्टोन टेक्सटाइल का मार्केट कल देखेंगे तकरीबन 200 करोड़ के आसपास है, यानी कि यानी स्टॉक में थोड़ा ठीक ठाक कम है, मार्केट के 200 करोड़ के आसपास है, तो ओवरऑल इसे ठीक माना जाएगा। स्टॉक का पी भी बहुत कम है, 10.9 के आसपास है, सामान्यतः इतना कम किसी स्टॉक का पी होता नहीं है, पी जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.5 रुपये करीब है, यानी कि वैल्यूएशन रेट ठीक ठाक है। और बाकी हम लोग चार्ट पर देखेंगे तो वहाँ पे कहाँ पे नए लोगों को इसमें एंट्री लेना है वो तो वहाँ पे पता चल जाएगा। बुक वैल्यू भी 1.18 के आसपास है, और शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि ये बढ़िया बात है, शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये निगेटिव लग सकते हैं, कंपनी का जो ROCE है और जो ROE है यह माइनस में है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ROE और ROCE जब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर दो तीन क्वार्टर लगातार अच्छे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा और ये माइनस से प्लस में जाएगा। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपको बताया है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने के लिए उसके बाद जरूर आपको ROE में ये जो -0.3% है ये कम होते हुए दिखेगा। अब आगे हम लोग कंपनी के एक साल के चार्ट पर सबसे मेन चीज़ यहाँ पर समझते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, इसका शेयर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन से जैसे बाहर निकला लंबा तेजी देखने को मिला इस स्टॉक में, और लंबा तेजी देखने के बाद आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। सबसे बड़ी सवाल, स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक में जब लंबा तेजी देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होने के बावजूद बाद शेयर प्राइस नीचे जाता है। प्रॉफिट बुकिंग यहीं पर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी का एक कह सकते हैं कि इस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिलेगा 1.60 रुपये के आसपास। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जब इसके ऊपर निकला थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए या इस लेवल के आसपास नीचे आया था प्राइस, और रिट्रेसमेंट करके फिर प्राइस यहीं से ऊपर उठा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, इसके करीब गया, टकरा के नीचे आया, और नीचे आ सकता है कम से कम 1.40 रुपये के आसपास। मेरा अनुमान है कि 1.40 रुपये से नीचे नहीं आएगा, और यहीं से फिर सपोर्ट लेके इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर उठेगा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे 1.40 रुपये के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर गया है, फिर यहीं से प्राइस नीचे आया। तो यहीं पे क्या होगा कि इस कंपनी का जो भी शेयर प्राइस है जो अभी यहाँ से देख सकते हैं नीचे आ रहा है, यहीं पर 1.40 रुपये के आसपास आकर सपोर्ट लेगे, यहाँ से ऊपर उठेगा तो फिर 1.60 रुपये के ऊपर निकलेगा, और इजिली ये आपको कम से कम 2 रुपये के लेवल तक जाते हुए दिखेगा। तो आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि इस स्टॉक में अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से ये प्राइस नीचे आएगा, और जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक का प्राइस एक जब काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा, और नीचे से आकर फिर ऊपर उठता है, ऐसा होता है। तो आप शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में कम से कम 2 रुपये के लेवल तक ले तो जा ही सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें मजबूती बना हुआ है और इसमें मजबूती रहेगा ही रहेगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। नए लोगों को क्या करना है, जब प्राइस 1.60 रुपये से ऊपर निकलने लगे तो यहाँ पे आप इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ आप उठाएंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो एलस्टोन टेक्सटाइल्स में चार्ट क्या बोलता है मैंने आपको बता दिया, आप एक दो बार और समझिए, आसानी से ये वीडियो आपको ये चार्ट क्या बोलता है समझ में आ जाएगा। अब चलिए सीधे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के यानी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं,
अभी आए नहीं है, सिर्फ सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट जब आया था आज से 3 महीना पहले, तो देखेंगे कि इसमें कोई सेल्स नहीं हुआ था, जबकि उसके पहले क्वार्टर में अच्छा खासा सेल्स हुआ था। तो देखिए, जब सेल्स नहीं होने के बावजूद भी इसके चार्ट पर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है जब इस बार का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा और उसमें थोड़ी बहुत भी यदि सेल्स होती है, और जो कि जाहिर सी बात है सेल्स होगी, तो इस बार कंपनी का रॉकेट शेयर्स और रॉकेट बनते हुए आपको दिखेगा। तो आपको कम से कम क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने तक वेट करने हैं। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट अच्छा आएगा तो सेल्स तो होगा ही, साथ में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन माइनस में, यह भी प्लस में हो जाएगा। और बाकी नेट प्रॉफिट यदि देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो अभी भी प्रॉफिट में, आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा नंबर इसका जो नेट प्रॉफिट का है। तो इसलिए आपको एलेस्टोन टेक्सटाइल्स में अभी घबराना नहीं है। अभी यदि आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें समय देना है, क्योंकि एलेस्टोन टेक्सटाइल्स फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।